हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो चैनल में नए हैं तो आपको करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन, जिससे आप आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। तो आज का जो दिन है मेरा, मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा बिजी रहा। मैं सुबह से ही 10:30 से जो मैंने पार्लर ओपन किया तो मैं बिजी ही चल रही हूँ, बिकॉज अभी सीजन चल रहा है जैसा कि आपको पता है। तो मैं जस्ट अभी अपने क्लाइंट को पूरा सब कुछ मैंने जो उनको करवाना था वो करके फ्री हुई हूँ। थोड़ा बहुत मैंने क्लिप निकाला है आप लोगों के लिए, जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने दिखा नहीं रही हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, फेस नहीं दिखाया है बिकॉज मैंने परमिशन नहीं ली थी। उनको सब कुछ करवाना था, ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, फुल हैंड वैक्स करवाना था। तो जैसे ही मैंने थोड़ा बहुत शूट किया वो आप लोग देख लो, और आज के व्लॉग में देखती हूँ मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करती हूँ। वैसे आप, आज है 9 जनवरी, सुबह से आज सुबह से लेकर शाम तक का मेरा फुल बुक है, तो बिजी जाने वाला है। नाइट में मुझे कहीं जाना है, अगर हो सके तो वहाँ का भी शेयर करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। फिलहाल इस ब्लॉग में पार्लर से रिलेटेड वीडियो आपके साथ ज़्यादा शेयर करूँगी, जो मेरा काम अभी है। और आज का थोड़ा सा बिजी है तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा अभी जो शूट हुआ वही मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। तो आगे मिलती हूँ मैं आपसे अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने उनको फ्री कर दिया है और उनको मैंने फेस पैक अप्लाई किया है। इसके बाद उनका पूरा काम फिनिश है, उनको ब्लीच, फेशियल, फुल हैंड वैक्स और बैक वैक्स, तो बहुत कुछ था उनका करने के लिए। तो उनका काम मैंने टाइम से कर दिया है बिकॉज उन्हें बाहर जाना था। फेस नहीं दिखा रही हूँ इसलिए मैंने दूर से क्लिप निकाला है, आपको दिखा इसलिए देती हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं आपको कस्टमर का कुछ शेयर नहीं करी। इसलिए कुछ ना कुछ मैं आपके साथ पार्लर से रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब समेट रही हूँ, वैक्सीन वगैरह की स्टेप्स हटा रही हूँ। तो वह बैठी हुई थी और मैं उनसे बात भी करती जा रही थी। तो ये देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा मैसी हो चुका है, वही मैं दिखा रही हूँ, पूरा टेबल मेरा मैसी था। इसके बाद मैं आपको और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी, लेकिन ये अभी 9 फरवरी का वीडियो मैं आज ही के दिन आपके साथ शेयर कर दूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वीडियो डिले हो। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आगे बने रहिएगा, बहुत कुछ अभी नया नया आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, मैं जस्ट अभी फेशियल, वैक्सीन, थ्रेडिंग और ब्लीच वगैरह करके फ्री हुई हूँ। तो मैसी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ये रही मैं। तो फेस मैंने दिखाया नहीं है बिकॉज मैंने पूछा नहीं था उनसे, लेकिन थोड़ा बहुत क्लिप निकाल लिया। तो ये आप देख सकते हो कितना मैसिव, थोड़ा बहुत मैंने ठीक कर लिया है। सो गाइज, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी तो मैंने ब्लीच अप्लाई किया है। और अगर आपके पैरों में भी टैनिंग है तो आप इस तरह से ब्लीच अप्लाई कर सकते हो, टैनिंग बहुत अच्छे से चली जाती है। और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा अजीब से दिखने लगे थे तो मैंने यहाँ पे इस ब्लीच अप्लाई किया है, आयुर्वेदा का बहुत अच्छा ब्लीच है। तो आप भी इस तरह से टैनिंग रिमूव कर सकते हो, ब्लीच से ही बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाती है और पैर में बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो वॉश करने के बाद कैसा दिखता है इसे मैं 20-50 मिनट रखूँगी, देन रिमूव करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी मेरे पैरों में कैसा क्या इसका रिजल्ट आया है। सो गाइस, ब्लीच रिमूव करने के बाद थोड़ी बहुत टैनिंग कम हुई है, आप देख सकते हो, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ 10 मिनट लगा पाया था, पार्लर में बिजी हूँ। तो कुछ इस तरह से ये पैर हो गए मेरे फिलहाल। सो गाइस, ये फेस पैक मैंने अभी खुद से बनाया है बिकॉज मुझे ऑर्डर्स मिले थे। ये मैं समर में बनाती हूँ और बहुत सेल होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बनाना कैसे है अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना। फिलहाल जिसके फेस में एक्ने प्रॉब्लम है, ग्लो नहीं है, स्किन डल है, बहुत पिगमेंटेशन है, अंडर आई में बहुत डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये उसके लिए है। इसमें आपको सिर्फ रोज़ वाटर ऐड करना और इसका थिक पेस्ट बना के अपने फेस पर अप्लाई करना होता है, और आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। आपकी स्किन पर सारी जो पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये उसे सॉल्व आउट करता है। तो ये मेरे सेल के लिए बनाया है, तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका रिव्यू देखना है, डेमो देखना है फेस पे, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दूंगी। फिलहाल ये सेलिंग के लिए है और ये सभी निकल जाएंगे, तो मैंने सबसे पहले मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। तो मैंने खुद से बनाया है, बहुत बहुत अच्छा अमेजिंग फेस पैक है ये। आगे पहले भी मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है, तो ये देख सकते हो, ये मैंने अपने कंटेनर्स में इसे फिलअप कर लिया है और जिनको ये चाहिए उन्हें मैं दे दूंगी। तो वीडियो में आगे बने रहिए, आज के व्लॉग में देखते हैं क्या क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने पार्लर से रिलेटेड कुछ फेशियल किट्स और कुछ मेकअप का सामान लिया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप देखना चाहो अलग से वीडियो, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल शॉपिंग दिखा रही हूँ कि पार्लर में क्या क्या सामान मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, बिकॉज क्लीनर, फेशियल और मेकअप वगैरह आता रहता है, तो ये सब मैंने अभी फिलहाल इतना ही दिखा दिया है। सो गाइस, मैंने फेस पैक भी बनाया है, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत वीडियो में दिखाया है किस तरह का फेस पैक बनाया है। मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया है, जिससे ज़्यादा दिनों तक आप रख सके और यूज़ कर सके।
फेस पैक में क्या क्या मैंने यूज़ किया वो मैंने नहीं बताया। इसके ऑर्डर्स मुझे मिले थे, मैं खुद से बनाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा सेल होता है मेरे पार्लर से, तो मैंने सेकेंड या थर्ड टाइम इसे बनाया है देने के लिए। और मैंने पार्लर से रिलेटेड अभी फेशियल किट्स वगैरह, मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारे बाय किए हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो में दिखा दिया। लेकिन अगर उसमें से आपको कोई सा प्रोडक्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी जो भी मैंने बाय किया है। फेशियल किट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बिकॉज शादी के सीजन चल रहे हैं तो फेशियल क्लीन अप वैक्सीन ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी जा रही हूँ। और बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुझे आपके साथ शेयर करना है। और मैंने पैरों में ब्लीच किया था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा टैनिंग थी, फिर भी मैंने सिर्फ 10 मिनट ही लगा पाया, उसके ज़्यादा नहीं, बिकॉज रश था पार्लर में। और आपको किसी प्रकार का नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ गाइस इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। तो पैरों में 10 से 5 मिनट ब्लीच मैंने अप्लाई करके रिमूव कर दिया तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सॉफ्टनेस आई है, हल्का फुल्का ग्लो आ गया है स्किन पे, आपको दिखाया है मैंने जैसा कि। तो वीडियो में मैं मोस्टली कस्टमर का नहीं दिखा पाती हूँ, बिकॉज हर कोई अवॉइड करता है कैमरे के सामने आना, कुछ लोग परमिशन देते हैं, कुछ लोगों को जब मैं फेस पैक या ब्लीच लगाती हूँ तो मैं वीडियो निकाल लेती हूँ जिनसे उनका फेस ना दिखे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो जैसा बोलता है मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो निकाल लेती हूँ आपके लिए। और वीडियो मैंने एकदम से स्टॉप कर दिया था बीच में, तो बिकॉज पार्सल आया था, छोटा सा पार्सल है, क्या है मीशो का है ये पार्सल, बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरे पार्लर से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। और कोशिश यही करती हूँ कि कुछ नया नया आपके साथ शेयर करती जाऊँ, जिससे आप देखने में बोर ना हो, मुझे दिखाने में भी अच्छा लगे। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करना। तो इसी तरह के कुछ अच्छी वीडियो के साथ, कुछ अच्छे कंटेंट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।